तो दोस्तों आपको दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज है दशहरा स्पेशल, तो आज आपके लिए एक नई वीडियो के साथ मैं आया हूं और आपको ले चलूंगा रामायण दिखाने मलिताल, जो नैनीताल में होती है। और आप देख सकते हैं नैनीताल का ये भव्य दृश्य मेरे साथ लेखंड के साथ। और मैं सीधे बढ़ रहा हूँ मलिताल की ओर को, आप सीधे मिलते हैं आपको मलिताल पे और दिखाएंगे आज रामायण का भव्य पाठ और रावण दहन। दोस्तों फिर से मैं दोबारा जा रहा हूँ मलिताल की ओर को, फिर से प्रिंसेस मेरे को ज्वाइन कर लिया है प्रिंस ने, और अब हम जाएंगे दशहरा देखने भाई रावण दहन। तो तेरे को कैसा महसूस होता है भाई रावण को देखते हुए बता। रावण को देख के मुझे अपनी याद आ जाती है इसको, और मुझे कुंभकर्ण को देख के भाई मैंने बहुत पाप किए गाइस, और मैंने भी इससे ज्यादा पापी मैं हूँ थोड़े बहुत अभी तो आप सीधे बढ़ते मल्ली की ओर को, आज हम गाड़ी से नहीं जाएंगे क्योंकि कलिश ने मुझे मौत से छूकर वापस लेकर आया भाई टक से तो आप सीधे जाते मल्ली। दोस्तों प्रिंस निकल गया बाहर और हमें जाना मल्लीताल को, हम इसको रख लेते बैग में, तो इन्होंने हमें अपनी सामग्री दे दिया और हम इसे रखते बैग में, जो भी सामान है पूरा का पूरा। दोस्तों हम बड़े हैं मल्लीताल की ओर को और रात का नजारा इस प्रकार है, तुम देख सकते हो सामने, और सेक्सी लगता रात को, और रात को बड़ा सेक्सी लगता है, ये बात इसने सही करी है। और जो मजा रात के टाइम में आता ना भाई, वो दिन के टाइम में कभी नहीं आता। वो देखो आप अच्छा लग रहा हो, आपको भी देख ले। हाँ हाँ जरूर लगेगा। तो रात को मिलते हैं बहुत बहुत शुभ नजारे, शुभ यानी सुंदर सुंदर लोग भी मिलते हैं जो बाहर भावर से आए होते हैं, किसी क्षेत्रों से आए होते हैं, सुंदर कन्याएं, सुंदर नौजवान सबको देखने, उनको देखने में मजा आता है। और अभी लगभग हमने आधा रास्ता तय नहीं करा क्योंकि हम तरीताल चुंगी के पास पहुंचे, टोल पे पहुंचे, चुंगी के पास पहुंचे, उसके बाद मलिताल सीधे मिलते हैं यार तुम्हें, और वहां थोड़ा सा मेला भी घूम लेंगे और तुम्हें रावण भी दहन भी दिखा देंगे साथ ही साथ। काफी बड़ा रावण है सुना है मैंने, मैं तो देखा नहीं ये फर्स्ट टाइम देखेगा क्योंकि इसका फर्स्ट टाइम है ना नैनीताल में रावण को देखने का, मजा आएगा गाइस, बने रहो हमारे साथ ब्लॉग में। तो दोस्तों हम पहुंच गए मलिताल मचान के पास और थोड़ा सा आगे देखो तो ट्रैफिक लगा बहुत ज्यादा बिकॉज ऑफ रावण के चक्कर से भाई, रावण इतना बड़ा बनाया गया उसे देखने के लिए इतने लोग आ चुके हैं ना मैदान में। तो अब सीधे तुम्हें दिखाता हूँ मेले का गेट जो जाता है रिक्शा स्टेशन से होते हुए भैया, और रिक्शा स्टेशन से अंदर की ओर हम मूव कर जाएंगे क्योंकि आगे के रास्ता इतना टफ है कि हम वहाँ से जा ही नहीं सकते भाई, पीछे से गाड़ी भी आ रही गाइस, और पीछे से गाड़ी आ रही दोस्तों। तो दोस्तों हम अपर माल रोड में आ चुके हैं और अपर माल रोड का नज़ारा देखो तुम, शाम के टाइम में कितना ज़्यादा रश है, और आज 6 बजे बाद माल रोड भी बंद नहीं कर रही थी क्योंकि ट्रैफिक ज़्यादा है और उसके शॉर्ट आउट के लिए इन्होंने माल रोड खोल रही थी शाम के टाइम की आज, क्योंकि आवाजाही ज़्यादा हो जाएगी ना और ट्रैफिक का इशूज़ कम हो जाएगा। तो दोस्तों मिले के गेट के देख सकते हैं यार, और हम खड़कदा की दुकान के पास पहुँचे, यहाँ पर हमें पाठक जी मिलेंगे और पाठक जी को जस्ट मैं कॉल करता हूँ अभी। वेर इज़ द पाठक जी? तो हमें गोपू ने भी ज्वाइन कर लिया और हमारे साथ अभी रावण है ये भी देखेंगे। तो आप क्या कहना चाहेंगे मिस्टर गोपू? इस साल तो घूम रहा फिर आ जाएंगे रावण महाराज, फिर से हम आ जाएंगे और फिर से जलाएंगे ये रहे। वही लग रहा हूं। और प्रिंस तो इतना खुश है देख भाई, आज ये कन्याओं को देख के बहुत खुश है, ये हमेशा खुश रहता भाई, ऐसा सौभाग्य हर बार मिलता नहीं है, ढूंढना पड़ता है। दोस्तों इस अवसर में यहाँ मेला भी लगा पड़ा और हम मेले के अंदर अभी प्रस्थान करते हैं, घूमते हैं, अंदर जाके देखते हैं क्या है सीन, और फल के प्राइस भी देखेंगे आज, तुम्हें फल के प्राइस भी दिखाएंगे कि कितने रुपए में आपको ये सामान मिल सकता है। ये देखिए 100 रुपये पर पीस, कोई भी सामान देखो यार, मेले में तो बड़ा प्यारा हो रहा है यार, अंदर दुकानें बड़ी प्यारी प्यारी लगी है। हाँ भाई खाओ मोबली, वो इतना नहीं खाएगा। तो अब हम मोबली भी खा रहे, गोपाल हमारे मोबली लेकर आया भाई, और रावण की फोटो देखेंगे अभी हम, तो मैं एक फोटो की प्रदान कर देंगे, प्रस्तुत कर देंगे। तो पकौड़ियों की दुकान भी लगी है देखो, और जो जितनी खा सकता उतनी खा लेना, और देखो वाटर पॉपकॉर्न दीपक जूस कॉर्नर, और सामने रामलीला चलिए। तो दोस्तों सामने चलिए रामलीला, अभी लड़ा जाएगा बहुत तगड़ा युद्ध, फिर उसके बाद राम भगवान करेंगे विजय रावण पे। हाँ तो आपको पूरा का पूरा शो प्रस्तुत कर देता, मगर अभी देखते हैं कितना साफ दिखाई देता है यहाँ से। ये है रावण नैनीताल का, तीनों है यार, और तीनों है रावण कुंभकर्ण और बीबी वेघनाथ है ना। हाँ वेघनाथ देखो कितने लग रहे हैं तगड़े, बॉडी बिल्डर बना रखी है, बॉडी बनाई है उनकी। तो आप क्या कहना चाहेंगे प्रिंस भाई बताइए? बढ़िया लग रहे हैं रावण, आग लगाएंगे अभी हम, अभी खतरनाक तरीके से इन पर आग लगाएंगे, वो भी दिखाएंगे कैसे इनको उड़ा दिया जाता है, दहन कर दिया जाता है इनका, हुआ जाएगा अभी। हाँ और देखो कितना ज्यादा क्राउड है,
पूरा स्टेडियम फुल रहा था यार क्राउड से। तो दोस्तों देखो पीछे मेरे कितना क्राउड है, और क्राउड होना भी चाहिए क्योंकि राउंड ध्यान चल रहा है ना। और भाई देखो मोबली जब आ रहे हैं, मोबली कहाँ गए अपनी को गर्मी प्रणाम कर दो। मेरे पीछे देखो यार कितना ज्यादा क्राउड। तो मैं थोड़ा अंदर घुसता हूँ, रावण दिखाता हूँ तुम्हें, ये देखिए। और ऊपर चलते भजन, और उसके बाद जैसा भी प्रोग्राम आगे का होगा तो आपको बताया जाएगा। और एक फोटो भी ले ली जाए यार, कितने मुंगे लग रहे देखो दोस्तों। रावण ने मन मोह लिया हमारा, और देखो कितने सेक्सी लग रहे रावण। तपोवन में आए हैं हम यहाँ। तो दोस्तों रामलीला स्टार्ट हो गई, और देखो कितना ज्यादा भीड़ लगी नीचे, और हमने भी लगाई। मंत्री युद्ध क्षेत्र के क्या समाचार हैं? महाराज हम आगे ना, कल के युद्ध में महाराज अहिरावण मारे गए। क्या कहा? अहिरावण भी मारा गया? सत्य। धिक्कार तुम्हारे शास्त्रों पर, ये लंबे चौड़े आकारों पर, जो दस दस बीस बीस बानर डर जाए कौन हजारों पर। आराम पसंदियों आलसियों जो बहुत लज्जाते हो अपना, लंका विदेशियों को देकर जो अस्तित्व मिटाते हो अपना। जिसका रखना हो स्वर्ग जी के आंश उठाने वाला हो, जिसके अपने बंदी ग्रह में यमसी ताकत को डाला हो, उसकी रैयत उसके बच्चे बानरों से खटे जमाने में, तो लाख लानत है तुम्हें मर्दानी कौम कहने में। शीघ्र ही सेना सजाओ। क्या क्या महाराज? पर्वत के बदले स्वच्छता आकाश की, तेज शंकर का घटे शुद्धता कैलाश की। चांद अपनी चांदनी सूरज चमक ना छोड़ दे, लेकिन असंभव है रावण यदि आज राम तुझे छोड़ दे। उतार दे दिग्पाल भय से है हमारी आरती, कर रहा पंखा पवन अग्नि तरुओं को वारती। हम जगत के है नियंता वीर जो निर्वाण है, और नहीं भगवान कोई जो स्वयं हम भगवान है। अरे रावण यू बात न कर, तू मार न शोभा पाता है, मध्य बातें करने वाला कायर योद्धा कहलाता है। अगर लंका के वीर जवान हो तुम तो ममता छोड़ो प्राणों की, लो दशरथ नंदन सच हुआ वर्षा कर रहे अपने पारों की। सामने आ रहे उतर I'm sorry.
वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाता है। अरे अंकल आ जाओ, आज तेरा बल भी देख लेता हूँ। ए रंगपति सुखीपति, तेरा परिचय मुझसे हुआ था, अभी भी सुमन जा रावण, आज तेरा अंत होना निश्चित है, अभी भी सीता को अर्पण कर दे। कितनी भी धूल अगर सूरज तक नहीं पहुंचती है, आया मृत्यु का दिन सभी उसने तुझको भरमाया है, कहना सुनना है व्यर्थ यहाँ, तू तो सचमुच भरमाया है। सामने आ, तुझे भी देख लेता हूँ आज। रावण के इतने शीश काटने के बावजूद इतने शीश उठने का क्या कारण है? भगवान सिर बढ़ने की चिंता ना करे, यह छाया मृत्युंजय की है, खुशबू की जगह शिवाचन में सिर काट अपने चढ़ाए हैं, यदि किसी यत्न से शिव शंकर इसके ध्यान से हट जाए तो बार सरों की नष्ट होकर सारे नकली मस्तक कट जाए। दूसरा, इसकी नाभि में अमृत कुंड है जो जीवित रखती है कल को, इसलिए प्रभु छोड़िए ऐसा अमृत बाण जो सोखे इसके अमृत बल, जो सोखे इसके अमृत बल। बोल श्री रामचंद्र की जय। भाता द्रोही विभीषण, मैं आज तुझे छोड़ूंगा नहीं। रावण तो गयो, रावण तो गयो, रावण को जिम्मेदारी आ गयो। मारी दियो, भोगी दियो। रावण तो गयो, रावण रड़तो रड़तो जावे छे। रावण नीति शास्त्र का प्रकाट विद्वान है, अतः मृत्यु से पूर्व तुम उससे नीति शास्त्र का ज्ञान ले आओ। और पॉलिटिकल साइंस का था कि नहीं? पॉलिटिकल नहीं था भाई। बस सुषमा जी का बात करो। आप तो बैठ जाइए प्लीज, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए प्लीज, बैठ जाइए, बैठ जाइए प्लीज। मृत्यु के रूप में आकर भी इतना लेट आओ।
आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हो गया आशीष, आशीष का दूसरे करेंगे, आशीष होएगी खतरनाक। प्रणाम राधा, क्या तुम रावण से नीति शास्त्र का ज्ञान ले आए? नहीं राधा, सुशला जी का बहुत बड़ा बोलना कमेंट में जरूर है। नीति शास्त्र का क्या तुमने रावण को प्रणाम किया? नहीं दोस्तों, कुछ सीख ले भाई, कैसा प्रणाम? दोस्तों रावण को लिपटा दिया गया, रावण बोल रहा अपनी बातें। अब उसके बाद होगा यहाँ पर दहन, और दहन होने के बाद देखना कितनी आतिशबाजी होगी, और आतिशबाजी दिखाऊंगा आपको। लाखों के पटाखे लेके आए हैं, और लाखों के पटाखे फोड़े जाएंगे। चाइना से लाए पटाखे सारे। अच्छा चाइनीज है, खुश देखेंगे अभी, देखना अभी तुम्हें भी मजा आएगा। तो दोस्तों आतिशबाजी का प्रारंभ हो गया है, देखो आतिशबाजी स्टार्ट हो गई है, बम रंग बिरंगी बम है यार, ऊपर जाके ये देखने के तुम लोग आते हैं नैनीताल में कि कितना सुंदर बनाया जाता है यार, देख ही मजा आ रहा है। प्रभु जगन्नाथ प्रभु, प्रभुनंद स्वामी, ये क्या हुआ? बम आ गया, बम आ गया यार, घर में क्या जवाब देता है? दोस्तों देर में आता है यार, बहुत लेट हो गई है, और आतिशबाजी जोरों शोरों में चल रही है। लोग वीडियो बना रहे हैं, रील्स बना रहे हैं आतिशबाजी का, और मैं भी बना रहा था थोड़ी देर पहले। फिर तुम इसका ब्लॉग दिखाया जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। दिस इज रियल यम विलास सियारो, क्रेडिट प्लीज सियारो एंड गोपाल, और ऐसी वीडियो तुम्हारे लिए बार-बार आते रहूंगा। एंड बाय-बाय, और कमेंट करते रहना। जय सियाराम।